आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने ओप्पो फोन में मैसेज सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आता है फेल्ड टू सेंड एसएमएस या फिर मैसेज फेल्ड, तो इसे ठीक कैसे करें, आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो इसके लिए मैसेजेस से बाहर आइए और अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा, तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट आ रहा है, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब नीचे आने पर आपको मिलेगा अपने मोबाइल का मैसेंजिंग ऐप या फिर आपके फ़ोन में मैसेजेस नाम से आएगा, तो यहाँ पे मैसेजेस ऐप आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद नीचे इसके स्टोरेज यूसेज आएगा, तो स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लियर कैशे आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। अब डिलीट या फिर ओके पे क्लिक करिए, तो ये करने से कोई आपका फ़ोन का डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद यहाँ पे अब बैक आइए और अब बैक आने के बाद यहाँ पे सेटिंग में ऊपर आइए। ऊपर आकर आपको मिलेगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, जिस सिम से मैसेज सेंड कर रहे हैं उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम वन पे, उसके बाद ऊपर ये इनेबल आएगा, तो यहाँ पे अगर आपका ये इनेबल बंद है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसे ऑन करिए, इसे चालू करिए। अब ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और यहाँ पे अब चेक करिए, आपके ओप्पो फ़ोन से मैसेज जा रहा है, यहाँ पे अब फेल्ड नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।